नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ नक्षत्र, ग्रहों और राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, या लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन आता है, जिसमें से 27 नक्षत्र हैं और उनके 9 जो प्लैनेट हैं उनके लॉर्ड हैं, जिसमें से अश्वनी 1 नंबर, 10 नंबर मघा और 19 नंबर मूला, ये केतु के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे नंबर भरिणी, 11 नंबर पूर्वा फाल्गुनी और 20 नंबर है पूर्वा आषाढ़ा वीनस। थर्ड कृतिका, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 21 उत्तरा आषाढ़ा, ये सन के अंतर्गत आता है। फोर्थ नंबर है रोहिणी, 13 हस्त, 22 नंबर है श्रवण, जो मून के अंतर्गत आता है। 5 नंबर है मृगशिरा, 14 नंबर चित्रा, 23 धनिष्ठा, ये मार्स के अंतर्गत आता है। 6 नंबर है आर्द्रा, 15 अश्वाति, 24th है सद्भिषा, जो राहु के अंतर्गत आता है। 7th नंबर है पूर्वा आषाढ़ा, पुनर्वसु। 16 नंबर विशाखा, 25 पूर्वा भाद्रपद, ये जुपिटर के नक्षत्र हैं। 8th नंबर है पुष्य, 17th है अनुराधा, 26 है उत्तरा भाद्रपद, ये सैटर्न के अंतर्गत आता है। 9th नंबर है अश्लेषा, 18th ज्येष्ठा, 27th रेवती, ये मरकरी के अंतर्गत आता है। ये हम क्रम वाइज में अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे क्रम वाइज से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 नक्षत्र ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद एक बगल में आप 9 प्लेनेट के नाम लिख लेंगे। इसी तरह से हमारे जो महादशा है वैसे ही स्टार्ट होती है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। इसी तरह से आप 9 नंबर इधर लिख लीजिए और 9 और फिर उसके बाद 10 और 19 ऐसे लिखते हुए आप इसको ऐसे क्रम वाइज नोट कर लीजिए। ये नक्षत्रों के नाम आप नोट कर लीजिए। जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे या वैदिक ज्योतिष में, तो हमारे यहाँ ये ज्योतिष शास्त्र में इन नक्षत्रों के मायने और महत्व ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम आगे अपना टॉपिक वास्तु पे लेकर जाएंगे तो वास्तु में भी इनके काफ़ी मायने होते हैं, जिसके बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं, हम आपको वो बाद में बताएंगे। और इन 9 ये 27 नक्षत्र के बीच में हमारे जो है ये 6 नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र होते हैं, जिसमें से अश्विनी, मघा और मूला, ये केतु के 3 नक्षत्र ये गंडमूल नक्षत्र हैं और मरकरी के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र मरकरी के हैं। आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ, और एक नक्षत्र और होता है जिसको अभिजीत बोलते हैं, लेकिन उसकी गणना ज़्यादातर हमें मुहूर्त में देखा जाता है, मुहूर्त देखने के लिए यूज होता है, वो कभी कभार आता है बस। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में और उनके लॉर्ड, मतलब उनका जो स्वामी हैं। तो हमारे जो राशियाँ होती हैं वो 12 राशियाँ हैं और उनके प्लेनेट वही है जो 9 आपने देखे। बाकी के आप में आगे 3 भी और प्लेनेट का नाम मिलते हैं, मतलब उनका कोई मायने नहीं है, जैसे प्लूटो, नेपच्यून और एक और है, क्या नाम है उसका, वही छोड़े, कोई बात नहीं है। तो हमारे जो 12 राशियाँ हैं उसमें से फर्स्ट नंबर है एरीज। एरीज का लॉर्ड है मार्स यानी मंगल। सेकेंड नंबर है टारस, टारस का लॉर्ड है वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। और थर्ड नंबर राशि है जेमिनाई, जिसका लॉर्ड मरकरी है। फोर्थ नंबर कैंसर,
जिसका लॉर्ड मून, फिफ्थ नंबर लियो लॉर्ड सन, सिक्स नंबर वर्गो लॉर्ड मरकरी, सेवेंथ नंबर लिब्रा लॉर्ड वीनस, एट्थ नंबर स्कॉर्पियो लॉर्ड मार्स, नाइन्थ नंबर सेजिस्टेरियस लॉर्ड जुपिटर, टेंथ नंबर कैप्रिकॉर्न सैटर्न, इलेवेंथ नंबर एक्वेरियस सैटर्न, ट्वेल्थ नंबर पाइसिस और लॉर्ड जुपिटर। जिसमें से जो हमारे नौ प्लेनेट है, जिसमें से हमें दो प्लेनेट को एक एक राशियां दिया गया है और बाकी को दो दो राशियां मिली हैं। जैसे मार्स को एरीज और स्कॉर्पियो दिया गया है और वीनस को टारस और लिब्रा, मरकरी को जेमिनाई और वर्गो, जुपिटर को सेजिस्टेरियस एंड पाइसिस, सैटर्न को एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, मून को कैंसर और सन को लियो। इस तरह से हमारे नक्षत्र में इनको दिया गया है। हमारे नक्षत्र मंडल में जो 12 राशियां हैं इन प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। अब इन राशियों में हमारी जो कुछ राशियां हैं एयर तक एयर की हैं, कुछ फायर हैं, कुछ इसमें से हमारे जो हैं अर्थ हैं, कुछ स्पेस है, जिसकी बात हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें से जो चार चार राशियां इसमें से, हाँ अगर आप लिखना चाहें तो चार राशियां जो हैं वो लिख लीजिए बैरन साइन, जिसमें से एक नंबर, तीन नंबर बैरन साइन और फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर, ये बैरन साइन है। बैरन साइन जो बच्चों के लिए देखा जाता है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं बैरन साइन ने। अभी जो हमारी ये राशियाँ होती है वो चार प्रकार की राशियाँ होती हैं, जो जिसमें से फायर अर्थ एयर वाटर। फायर में आती है एरीज लियो सजिस्टेरियस, अर्थ में आता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एयर में आता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वाटर में आता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और जिसमें से चार राशियां हैं बैरन साइन, जिसको आप हिंदी में बंजर जानते हैं। बंजर मतलब जहाँ पे कुछ उपजाऊ ना हो या कोई चीज़ पैदा नहीं होता उसको बंजर बोलते हैं। तो वो हमारे हॉरोस्कोप में वो बैरन साइन माने जाते हैं, जिसमें है एरीज जेमिनी लियो वर्गो। एरीज फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर जेमिनी, फिफ्थ नंबर लियो, सिक्स नंबर वर्गो। आप अभी मैं आगे जब बात आपसे करूँगा उसमें मैं राशियों के नाम नहीं डालूंगा, उसमें मैं नंबर डालूंगा। इसलिए आप नंबर याद रख लो ना कि कौन से नंबर की कौन सी राशि है। जैसे एरीज के लिए 1, टॉरस के लिए 2, जेमिनी के लिए 3, कैंसर के लिए 4, लियो के लिए 5, वर्गो के लिए 6, लिब्रा के लिए 7, स्कॉर्पियो के लिए 8, सजिस्टेरियस के लिए 9, कैप्रिकॉन के लिए 10, एक्वेरियस के लिए 11 और पाइसिस के लिए 12। ये जो हमारी राशियाँ हैं नंबर पे चलती हैं, हर जगह पे नंबर ही यूज होता है, राशियों के नाम नहीं लिखे जाते। तो इसलिए आप उसको नंबर से याद कर लीजिए कौन से राशि पे क्या आता है। अब हम बात करते हैं साइन के प्रकार में एक और आता है मूवेबल डुअल एंड फिक्स। मतलब जो हम देखते हैं कि मतलब आदमी का जन्म जो होता है कौन से राशि में होता है, फिक्स वाला है कि चलने वाला है कि डबल नेचर का है, मतलब जो साइन इनके जो साइंस हैं उनके नेचर के बारे में। तो मूवेबल साइन 1, 4, 7, 10 यानी एरीज कैंसर लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ये मूवेबल साइन है मतलब चलायमान। और दूसरा है फिक्स्ड साइन जो 2, 5, 8, 11 मतलब टॉरस लियो स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये फिक्स साइन है जो आदमी अड़के बैठ जाता है, नहीं हमको करना है तो यही करना है। ये ऐसी राशियां हैं, इनके नेचर है फिक्स्ड, मतलब ये बदलते नहीं हैं, एक जगह पे अड़े रहते हैं। फिर दूसरा है, तीसरा नंबर पर आती है डुअल साइन। डुअल साइन में 3, 6, 9 एंड 12, 3 मतलब जेमिनाई, 6 वर्गो, 9 सजिस्टेरियस, 12 पाइसिस।
ये जो है डुअल नेचर के लोग हैं, जिनका कभी इधर भी कभी उधर भी, हमेशा किधर ना किधर इनका मन लगा रहता है, काम यहाँ मन कहीं और, ऐसा रहता है। पर ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, इसके आगे की क्लास हम लेंगे। नमस्कार।